हमजा बनोगे, शेखोस बनोगे, डीजल बनोगे, बेमारी बनोगे, गुलाम बनोगे, इमरान बनोगे, इमरान बनोगे, कप्तान बनोगे। धीरे बोलो, प्यार से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, आप भी बोलो, आप भी बोलो, आप भी बोलो, सभी के बोलो, सभी के बोलो। नजरीन आप देख रहे हैं वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। इसमें कोई शक नहीं है, वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। Sundays at 3:30 p.m., Dil Apna Pakistan brings you Canadians with roots in Pakistan and features community information and entertainment. Nazreen, aap dekh rahe hain Vancouver ki jaan Dil Apna Pakistan, Shah Multicultural Channel Network par. Nazreen, is hafte ka program Ramzan ka pehla ashra jo ke takriban khatam hone wala hai aur dusra ashra shuru hone wala hai. तो हम आपको पहले शरे की मुबारकबाद देते हैं और अल्लाह ताला इसी तरह से जिंदगी के साथ हमें ये रमजान जो है और मुकम्मल करने की तौफीक अता फरमाए और जो बीमार हैं उनको अल्लाह ताला सेहत दे और जो हमें नहीं है अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे। नाज़रीन, इन दुआओं के साथ दिल अपना पाकिस्तान का दिल हमेशा पाकिस्तान की सूरत हाल के साथ धड़कता है। नाज़रीन, हम मुबारकबाद देना चाहेंगे पाकिस्तानी निजाद हमजा यूसुफ को जो स्कॉटलैंड के नए वजीर आजम मुंतखब हुए हैं, और सबसे ज्यादा खुशी की बात यह है कि उन्होंने अपना हल्फ उर्दू जुबान में लिया है, जो कि एक बहुत बड़ी एक ऐसी ख्वाहिश किसी भी पाकिस्तानी की है जो पूरी हो चुकी है कि दुनिया भर में उर्दू को और खासतौर पर वेस्ट में रिकग्नाइज किया गया, और उन्होंने अपना हल्फ उर्दू जुबान में लिया। हम उनको एक बार फिर उनकी फैमिली को और सब पाकिस्तान से मोहब्बत रखने वालों को मुबारकबाद देते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की सूरत हाल पर कुछ तबसरे, कुछ बातें और एक किताब मैंने लिखा है, पहले उस किते से शुरू करता हूँ। अपनों को गुलामी की सजा कुछ ऐसे मिली है, अपनों को गुलामी की सजा कुछ ऐसे मिली है, चोरों की हुकूमत में एक थैली मिली है। घर बार का वादा था दिया कुछ भी नहीं है, घर बार का वादा था दिया कुछ भी नहीं है, इस पौन सदी में रोटी न मिली न चादर मिली है। नाज़रीन, रोटी कपड़ा और मकान का वादा एक अरसे पहले जनाब भुट्टो साहब ने दिया था, और उस वादे की तकमील में हमारी हुकूमतों ने जिस तरह से लोगों का इस्तेहसाल किया है वो दुनिया के चंद ऐसे ममालिक होंगे जिसमें पाकिस्तान सिर्फ फहरिस्त है, जहां पे इंसानी हकूक को जिस तरह से पामाल किया जा रहा है इस वक्त वो इंतहाई काबले मजम्मत अमल है इस मौजूदा हुकूमत का। और इसमें जो लोग कहते हैं कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि उनके कॉल ऑफ फेल में इतना तादाद क्यों है, और ये बहुत दुख की बात है। ये किताब इसीलिए लिखा है। 23 मार्च का इमरान खान का जलसा, जलसे से पहले मीनार पाकिस्तान की जगह पर पानी का चला देना गैर मुतवक्के तौर पर, और उसके बाद इतना बड़ा जलसा होना, ये एक बहुत बड़ी अलामत है कि अवाम, पाकिस्तानी अवाम कंटेनर्स रखने के बावजूद चारों तरफ दूर दूर से सारा सारा दिन की पैदल मुसाफत कर वहां पे पहुंचे, अपना शहरी का सामान भी लेकर गए वहां पे। भाई कहना चाह रहे हैं, मैं बड़े पते की बात बताना चाह रहा हूँ। जी भाई जान, मैं आपके चैनल से ये सबको बता रहा हूँ, 30 अप्रैल तक का टाइम है सबके पास, सबके पास, उसके बाद हम तख्ता खुद उलट देंगे इस मुल्क में। इंशाल्लाह बहुत हो गया, 70 साल में
में बाजी के अलावा कुछ भी नहीं जाए इस मुल्क में। मेरे दादा ने इनकी गुलामी की, मेरे बाप ने इनकी गुलामी की, मेरी 28 साल उम्र है, मैं इनकी गुलामी में हूँ। ये कुछ तमाशा लगा रखा है। अब इमरान खान भी पीछे हो जाए, खुदा की कसम खा के कह रहे हैं हम पीछे नहीं हटेंगे। 30 तारीख तक का टाइम है जो अदालत ने दिया है, ये कह रहे हैं ना इलेक्शन नहीं होंगे, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के मैं कह रहा हूँ 30 तारीख के बाद हम इस हुकूमत का खुद तख्ता उलट देंगे। कैसे, क्या करोगे आप? हम सड़कों पे आ जाएंगे, हम धरने दे देंगे। धरना पहली बात तो एक तो इमरान खान ने धरना बताया था, वो धरना नहीं होगा। अभी तो हम इमरान खान के कहने पे चल रहे थे, वो कह रहे थे यार तोड़ फोड़ ना करो, ये ना करो, वो हम सीधा जाएंगे जहाँ पे ताकतवर हल्के रहते हैं वहां पे धरना देंगे। हम सदर हाउस देंगे, हम वजीर आजम हाउस के बाहर धरना देंगे, हम तख्ता उलट देंगे, हुकूमत नहीं चलने देंगे। ये गैर जब आईन ही नहीं है, इसका मतलब है मैं भी चोरी करूं मुझे माफ है, आप भी करो, डकैतियां करो, जो मर्जी करो, आईन खत्म। उसके बाद कोई भी आईन कानून हमें नहीं रोक सकता और हम इलेक्शन करवाएंगे, नहीं हुए हम खुद तख्ता उलट देंगे, हम खुद अपना रहनुमा चुन लेंगे, उसको कुर्सी पे बिठा देंगे। Sundays at 3:30 p.m., Dil Apna Pakistan brings you Canadians with roots in Pakistan and features community information and entertainment. मैं बड़े पते की बात बताना चाह रहा हूँ जी भाई जान, मैं आपके चैनल से ये सबको बता रहा हूँ 30 अप्रैल तक का टाइम है सबके पास, सबके पास। उसके बाद हम तख्ता खुद उलट देंगे इस मुल्क में, इंशाल्लाह। बहुत हो गया, इंशाल्लाह। 70 साल में ड्रामेबाजी के अलावा कुछ भी नहीं जाए इस मुल्क में। मेरे दादा ने इनकी गुलामी की, मेरे बाप ने इनकी गुलामी की, मेरी 28 साल उम्र है, मैं इनकी गुलामी में हूँ। ये कुछ तमाशा लगा रखा है। अब इमरान खान भी पीछे हो जाए, खुदा की कसम खा के कह रहे हैं हम पीछे नहीं हटेंगे। 30 तारीख तक का टाइम है जो अदालत ने दिया है, ये कह रहे हैं ना इलेक्शन नहीं होंगे, अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के मैं कह रहा हूँ 30 तारीख के बाद हम इस हुकूमत का खुद तख्ता उलट देंगे। कैसे, क्या करोगे आप? हम सड़कों पे आ जाएंगे, हम धरने दे देंगे। धरना पहली बात तो एक तो इमरान खान ने धरना बताया था, वो धरना नहीं होगा। अभी तो हम इमरान खान के कहने पे चल रहे थे, वो कह रहे थे यार तोड़ फोड़ ना करो, ये ना करो, वो हम सीधा जाएंगे जहाँ पे ताकतवर हल्के रहते हैं वहां पे धरना देंगे। हम सदर हाउस देंगे, हम वजीर आजम हाउस के बाहर धरना देंगे, हम तख्ता उलट देंगे, हुकूमत नहीं चलने देंगे। ये गैर जब आईन ही नहीं है, इसका मतलब है मैं भी चोरी करूं मुझे माफ है, आप भी करो, डकैतियां करो, जो मर्जी करो, आईन खत्म। उसके बाद कोई भी आईन कानून हमें नहीं रोक सकता और हम इलेक्शन करवाएंगे, नहीं हुए हम खुद तख्ता उलट देंगे, हम खुद अपना रहनुमा चुन लेंगे, उसको कुर्सी पे बिठा देंगे। आपको नहीं लगता धरने से बेहतर ये है कि खान साहब को कहा जाए, खान साहब सारे सियासतदानों को बिठाएं, मिल बैठ के बात कर ले? सर उसकी जगह पे कोई भी होता ना, वो थक चुका होता और वो बेचारा क्या करे, वो लगा हुआ है आईन और कानून के बीच में, लगा हुआ है, वो थक गया है भाई। मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, अगर वो एक ऐलान कर दे कि यार पाकिस्तानियों मैं थक गया हूँ, आप अपना खुद देख लो जो करना है, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ यहाँ पे खून की नदियाँ होनी है, ये नहीं बचेंगे, ये सारे के सारे भाग जाएंगे बाहर। नवाज शरीफ ने कहा ना एक महीना लगेगा इमरान खान के कत्ल के बाद, लोग एक महीने के बाद चुप हो जाएंगे, एक महीना नहीं लगेगा, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ जिस दिन तुम पाकिस्तान में आओगे सबसे पहले तुम्हारी ऐसी की तैसी फेर देनी हम लोगों ने। क्या लगता है खान साहब की अगर हुकूमत आ जाती है तो खान साहब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या क्या काम करेंगे? खान साहब आए या कोई भी आए, सबसे पहले
कानून साजी की जरूरत है। जब तक मुल्क में कानून साजी नहीं होगी ये मुल्क किसी तरह चलेगा। आज मेरे पास ताकत है, मैं अपने इदारे अपने अंडर करके मैं खुद चोरियां डकैतियां करूं। मुझे ये बताएं, ये नैब का इदारा बनाने वाला मुशर्रफ के दौर में बना था। हम कहते हैं नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो नहीं है इंडिपेंडेंट। नैब का इदारा बनाया ही इसलिए गया कि पॉलिटिशियन को आप अपनी मुट्ठी में रख सको। आप ये देखो जितने भी नैब के अंदर केसेस हुए सजाएं कितनों को हुई है, ये सिर्फ ब्लैकमेल करते हैं। पॉलिटिशियन को ब्लैकमेल कर लिया आपने, अपने मुतालबा निकलवा लिया, उसके बाद छोड़ दिया, एनआरओ दे दिया, सजाएं किसको मिली है? नैब के इदारे को खत्म किया जाए, एक नया इदारा बनाया जाए जो चीफ जस्टिस के अंडर होना चाहिए, किसी पॉलिटिशियन के अंडर ना हो, किसी इदारे के अंडर ना हो, सिर्फ चीफ जस्टिस के अंडर हो, और वहीं से कानून साजी करने के बाद सारों को अपनी औकात बताओ कि भाई ये तुम्हारी हैसियत है। इसका मतलब ये है हेडमास्टर प्रिंसिपल का वो यूनिवर्सिटी के लेवल का काम करे, यूनिवर्सिटी का जो प्रिंसिपल है या हेडमास्टर है वो कॉलेज स्कूल के मामला को देखे। इस तरह तो नहीं होता ना हिसाब किताब। एक कानून होता है, एक मुल्क में एक आइन होता है जो इन्होंने बिगाड़ दिया। 30 तारीख तक का टाइम है, खुदा की कसम उसके बाद तक हम खुद उलट देंगे इस मुल्क में। अगर शहबाज शरीफ साहब जिस तरह आप कह रहे हैं आपके जो भी मुतालबात हैं अगर कानून के हिसाब से चले, मंजूर है शहबाज शरीफ साहब आपको फिर अगर आवाम को रिलीफ दे दें, महंगाई खत्म कर दें? मैं मेरी एजुकेशन 18 साल की है, मैंने 18 साल तालीम हासिल की है, किसी सूरत ये रिलीफ दे ही नहीं सकते। ये मैं आपको पहले बता दूं, ये जो चाइना से पैसे आए हैं या 1.5 अरब डॉलर लेने के लिए IMF के तलवे चाट रहे हैं ये लोग, रिलीफ नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास बाकी हाथ ही नहीं है, आपके कट चुके हैं, बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसा नहीं भेज रहे, आपके पास सरमायाकारी नहीं आ रही, जो इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रही थी वो उन्होंने आना बंद कर दिया, आपके दोस्त मुबालिक यहाँ ना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना वो यहाँ पैसा भेज रहे हैं, ना ही वो आपको ज़कात या खैरात कुछ दे रहे हैं, ये किसी सूरत रिलीफ दे ही नहीं सकते, इनके पास पैसा नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा आईन और कानून के मुताबिक ये चले तो हमें काबिल कबूल। भाई मुझे ये बताएं, 35 साल से ये मुल्क में हुकूमत कर रहे हैं, 35 साल एक मायने रखता है? 35 साल इन्होंने कब आईन और कानून का किया? मॉडल टाउन में कत्ल इसने करवाया, वजीर आला ये था, उस वक्त राणा सनाउल्लाह के ऑर्डर थे, इसके ऑर्डर थे शहबाज शरीफ के, ठीक है, इसका भाई 3 दफा, एक तो हैरत की बात है 3 दफा वजीर आजम, 3 दफा ना अहल। मैं खुदा की कसम 1 दफा फेल हो जाऊं, 2 दफा फेल हो जाऊं, मैं हाथ बांध लूं, मैं नहीं कर सकता। ये पागल सटिया गया है इसका दिमाग, ये कहते 4 दफा मुझे वजीर आजम बनाओ। भाई हुकूमत में है, सहूलतकार इनके साथ है, एक एक इदारा एक एक बंदा इनके साथ है, फिर भी जुर्रत नहीं कर रहा वो यहाँ आने की। क्यों? ये हम लोग खड़े हैं, मैं जो कह रहा हूँ ना 30 तारीख के बाद हम तख्ता खुद उलट देंगे, उसकी वजह यही है। वो जो बड़ा वहाँ बैठा डर रहा है ना अपने भाई की हुकूमत के बाद भी, वो नहीं आ रहा, वो इसी वजह से नहीं आ रहा, उन्हें पता है लोगों ने गिरबानों से पकड़ लेना है, छोड़ेगी नहीं अवाम। वो हमारे बाप दादा थे बेचारे, मासूम थे, ना नेट था ना सोशल मीडिया था, कोई पता नहीं था। आज मैं भाई को इंटरव्यू दे रहा हूँ, पता नहीं मैं घर पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, ये पहले नशर हो जाएगा। ये सोशल मीडिया की ताकत है, तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारा अगला पिछला मैं सारा पता है, इंशाल्लाह तुम्हें सड़कों पे घसीटेंगे। ये जो तुमने लोगों को मारा है, जो जुल्म किया है, इमरान खान बेशक छोड़ दे हम नहीं माफ करेंगे, फिर हम इमरान खान को भी पकड़ेंगे अगर उसने तुम्हें माफ कर दिया। इमरान खान की पार्टी को कब से सपोर्ट कर रहे हो? मैं 2010 से सपोर्ट कर रहा हूँ, 1996 की मेरी डेट ऑफ बर्थ है जब तहरीक इंसाफ बनी थी, मैं 2010 से सपोर्ट कर रहा हूँ। मैंने धरने भी अटेंड किए हैं, मैंने हर प्रोटेस्ट पे मैं गया हूँ, शैलिंग 25 मई को हुई थी तब भी मैं था, लाहौर से हमें बाहर नहीं जाने दिया, इस दफा भी शैलिंग हुई तब भी मैं जमान पार्क में मौजूद था, मेरा तारुक डेरा गाजी खान से, मैं यहाँ पे पढ़ता हूँ, 7 साल मुझे लाहौर में हो गए हैं, उसके बाद मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, डंके की चोट पे खड़ा हूँ। मैं कहता हूँ ये जो कह रहे हैं ना कि PTI के झंडे वालों को पकड़ो जिसने शर्ट पहने, मैं सरेआम फिरता हूँ, ये देखें मैं शर्ट पहन के यूनिवर्सिटी जाता हूँ, पूरी इमरान खान की तस्वीर पर, मुझे कोई डर खौफ नहीं है भाई, मैंने अपना फ्यूचर देखना, मैं अपने फ्यूचर के लिए आया हूँ, मैं इमरान खान के लिए नहीं आया यहाँ पे, उसको हमारी जरूरत नहीं है, वो बैठे बैठे अरबों रुपया इकट्ठा करके अयाशी कर सकता है, मैं अपने लिए आया हूँ, मैं 500 रुपए का पेट्रोल डलवाया है, 2 लीटर भी पूरा नहीं आया, मैं क्या करूँ? मेरे माँ बाप की जो तनख्वाह है वो है, उसके बाद जो नौजवान नस्ल है वो बेरोजगार है, हमारी कोई हैसियत औकात नहीं है, यकीन करें हमारे माँ बाप ने बड़े बड़े घर बना के हमें दे दिए हैं लेकिन हम चला नहीं सकते, वो रिटायर हो रहे हैं भाई, हम कहाँ से करें, बेरोजगार फिर हूँ मैं, 28 साल हूँ मेरा, बाहर जाता हूँ तनख्वाह नहीं है, नौकरियाँ नहीं है, तनख्वाह देते हैं 20,000, 10-10 घंटे हमें रगड़ते हैं नौजवानों को, 20,000 में मैं क्या करूँ, पेट्रोल डलवाऊँ, घर का खर्चा पूरा करूँ, माँ बाप को दूँ या ये बिजली के बिल भरूँ? कोई अजीब तमाशा बना के रखा हुआ मुल्क में, मुल्क ना होगी इनके बाप की जागीर हो गई है, तुम्हारे बाप की जागीर है ये, जब तुम आओगे हुकूमत करोगे। हमजा बनोगे, बनोगे, डीजल बनोगे, बेकारी बनोगे, गुलाम बनोगे, इमरान बनोगे, इमरान बनोगे, पाकिस्तान बनोगे। धीरे बोलो, प्यार से बोलो, जोर से बोलो।
भिखारियों को तो खाना आप खिला रहे हो ना यार। कौन है? मैं आपसे हल्फिया बोल रहा हूँ, मेरे खानदान के लोग बैठे हैं। कौन कह रहा है? जाओ शनाख्ती कार्ड चेक कर लो, भिखारी तुम्हारे पास सुबह में सैरी करने आएगा। कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हैं आप यार। लोग तो कहते हैं खाना क्यों खिला रहे हो, बंद कर दो, मार दो इनको। ये कौन लोग हैं यार जालिम? दीन क्या कह रहा है? देखो यार, भूखे को खाना दो, प्यासे को पानी दो, जख्मी की मदद करो। हालात देखो, 30,000 रुपए तनख्वाह वाला आदमी, यहाँ जो लोग आए हैं उनसे पूछो तो। चालीस 40,000 आदमी शहरी कर रहे हैं, काफी है नहीं काफी? यहाँ लाखों लोगों के घरों में पार्सल जा रहा है, काफी है नहीं काफी? लेकिन जबर भाई, मतलब ये सिलसिला आपका तो काम नहीं है ना, ये रेट लिस्ट को सही करवाना ये आपका तो काम नहीं है ना, हुकूमती इदारों का काम तो मैंने, है ना? मैंने हमने इसमें दखल अंदाजी दी नहीं ना, हमने सीधी बात तो बोलना। जबर अब्बास के पास फेम नहीं थी, जबर अब्बास अब इस तरह मेरे से मुझे जरूरत ही नहीं है फेम की। मेरी तो एक नॉर्मल वीडियो, कोई आम सी वीडियो बना दूं, वो 2-2 मिलियन हो जाती है भाई, 4-4, 10-10 मिलियन हो जाती है भाई। 2010 में अगर किसी की लाखों में वीडियो शेयर होती थी ना, जाके चेक कर लो जबर अब्बास। नहीं लोग कह रहे हैं, लोगों को खराब भी कर रहे हैं ना, पहले खाना खिलाता था, आईफोन बांट रहा है, सोना बांट रहा है। अरे मैं थोड़ी बांट रहा है यार, एक बिल्डर आके बोल रहा है जफर अब्बास साहब मैं आपकी शहरी मुकरान दादी कर रहा हूँ, जिसका नाम निकले दे देना। मैंने कहा ओके दे दो। वहाँ एक शख्स का नाम निकला, वो गाड़ी निकली, 4 सोने के सेट निकले, मोबाइल निकला, वो आया, उसने बोला मुझे नहीं जफर भाई, मैं अल्लाह का शुक्र है खाया कमाया, किसी गरीब को दे दो। जफर अब्बास अरबों रुपए इस चीज पे खर्च कर रहे हैं खाने पे, तो लोगों को रोजगार पे क्यों नहीं खर्च कर सकते? अरे भाई आईटी सिटी खोल तो दिया, फ्री आईटी सिटी खोल दिया, 10-10 हजार बच्चे हर 2 महीने में पढ़ के निकलने, $200 घर बैठे कमा रहे, वही कोर्स जो मार्केट में 1.5 लाख का कर रहे थे हमारे यहाँ फ्री में कर रहे हैं, 1 रुपया नहीं देना आपको भाई। और जो ये लैब खुल रही है अरबों रुपए की, ये भी फ्री है, जो डायलिसिस सेंटर ले आ रही है नाजमाबाद, समनाबाद, गुलशन, जहां जहां खुल गए सब फ्री है। किसी की भी वालदा, बाप, बेटा, भाई आ रहा है, हर दूसरे दिन मशीन पे लेटता है, डायलिसिस कराता है और उसके बाद घर चला जाता है, फिर अगले दिन आ जाता है, हफ्ते में 3 दिन कराएगा, ना 75,000 रुपए हफ्ते के देने, ना एक पैसा देना, फ्री में कराओ, जिंदा रहो मरते दम तक। जफर अब्बास जो है ना चीजों को थोड़ा सा बढ़ा के बोलता है, इतनी महरूमी तो है नहीं शहर में, गाड़ियां रोडों पर बड़ी बड़ी नजर आ रही हैं, लोगों के घर में खाना भी है। हाँ तो भाई, जो शख्स जिनके बच्चे पुल के उस तरफ रहते हैं उनको मेरी बातें बुरी लगेंगी, मेरा मसला पुल के उस तरफ वाला नहीं, मेरा मसला इस तरफ वाला है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी तनख्वाह 40,000 रुपए है, 25,000 रुपए घर का रेंट देने के बाद 15,000 रुपए के इलेक्ट्रिक ले लेती है और 0 पैसा घर में बचता है भाई। इसी का महीने का जो मीडिया का खर्चा है वो लाखों रुपए है। एक पैसा नहीं है जेडीसी भाई, अगर जेडीसी तो सीधी सीधी बात करती है, हम तो जो वीडियो बनाते हैं लोगों से बोलते हैं भाई तुम शेयर कर लो, हर वीडियो में बोलता हूँ शेयर कर लो, किस लिए बोलता हूँ, वो शेयर करेंगे बात आम हो गई, मेरे घर का मसला है। मैंने जो मुर्दा खाना खोला है जिसमें 1,000 मैयतें रखी जाएंगी फ्री में मेरे रिश्तेदारों की, जो मॉर्निंग शो में एक सेलिब्रिटी आने के लाखों रुपए लेता है, वो इधर फ्री में क्यों आता है भाई? वो इसलिए आता है, वो देखता है अवामी प्रोग्राम हो रहा है, अवामी काम हो रहा है, हमें तो दुनिया टीवी चैनल में आने के पैसे ऑफर करते हैं। आप अरे ये पाकिस्तान के टॉप लोग बैठे हैं इस वक्त भी, आके आप जाके देख ले, मैंने तो किसी को 1 रुपया नहीं दिया। लोग अपनी खुशी से आते हैं और बोलते हैं हम लोगों के साथ आवाम के साथ बैठ के खाएंगे, यार ये हमारे अपने सगे हैं, हमारे यहाँ वो सिस्टम थोड़ी है यार कि सिर्फ पोलों पे स्टिकर लगा दो बच्चों को चूम रहे हैं। अरे नहीं भाई, हमने अगर कहीं पोस्टर भी लगाया उसमें 100 प्रोजेक्ट लिखे हैं, तुम्हारे लिए मुर्दा खाना फ्री बनाया, तुम्हारे लिए मैयत बस है, एक एक मैयत बस करोड़ों रुपए के लिए, जिसका नाम हिनो पे हमने लिखा है ना, फ्री मैयत बस करोड़ों रुपए की एक एक बस है, फ्री मैयत बस, फ्री कब्रिस्तान। और आपने एक नारा लगाया भीख बंद, भिखारियों को तो खाना आप खिला रहे हो ना यार। कौन है? मैं आपसे हल्फिया बोल रहा हूँ, मेरे खानदान के लोग बैठे हैं। कौन कह रहा है? जाओ शनाख्ती कार्ड चेक कर लो, भिखारी तुम्हारे पास सुबह में सैरी करने आएगा। कैसी पागलों वाली बातें कर रहे हैं आप यार। अबे लोगों के कहने से क्या होता है? लोग तो कहते हैं खाना क्यों खिला रहे हो, बंद कर दो, मार दो इनको। लोग तो कह रहे हैं इनको ये खाना नहीं, इनको मार दो। अबे भाई दीन क्या कह रहा है? देखो यार, भूखे को खाना दो, प्यासे को पानी दो, जख्मी की मदद करो। ये कौन लोग हैं यार जालिम? हालात देखो, 30,000 रुपए तनख्वाह वाला आदमी, यहाँ जो लोग आए हैं उनसे पूछो तो। मेरे पास जो रश 15 रमजान को होता था वो पहली रमजान से, सारी रोडें भरी हुई है, सिर्फ कैमरा घुमा लो चारों तरफ, अभी शहरी खुलने में 1 घंटा बाकी है। लेकिन जफर अब्बास तो सिर्फ कराची की हद तक काम, पूरा पाकिस्तान का। अच्छा, डीएचक्यू अस्पताल कश्मीर कराची में, फिरोजपुर रोड रेस्टोरेंट जेडीसी का कराची में, पिम्स अस्पताल कराची में, मिट्टी सिविल अस्पताल के बाहर जेडीसी का रेस्टोरेंट कराची में, पिंडी में सिद्दीक चौक कराची में। अरे भाई पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं यार, बिला तफरीक कर रहे हैं, और जेडीसी का तुर्रा इम्तियाज ये ना आने वाले किसी शख्स से उसका मसलक कभी पूछा, ना मजहब पूछा, ना जबान पूछी, ना सुबह ना शहर। चार अमीर आदमी फल खा लें बाकी पूरा पाकिस्तान ना खाए, ये कहां का इंसाफ है? वो सरकारी रेट लिस्ट में लिखा हुआ 128 रुपए किलो अमरूद, वो बेच रहे हैं 600 रुपए किलो अमरूद। गरीब के घर में साल में एक बार फल आता है अफतारी में, सारे बच्चे मिलके चाट वाट खा लेते हैं, बाप बेटा सब एक साथ मिलके, जो मजदूरी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं। आपने फ्रूट चाट का एक प्याला 2600-2600 रुपए कर दिया, कहाँ से खाएंगे लोग? मैंने बायकॉट की आवाज लगाई, पूरा पाकिस्तान मुझसे कह रहा है जफर सिर्फ कराची में नहीं कश्मीर में भी बायकॉट कराओ,
केपी के भी बायकॉट कराओ, पंजाब में भी कराओ, ट्रेंड ही यही है भाई, कब तक बायकॉट करवाएंगे? जब तक ये रेट अपनी जगहों पे नहीं आएंगे, वापस सरकारी नर्ख पे नहीं आएंगे। आधा पाओ, क्या जुल्म हो रहा है कराची के लोगों पे? मेरी फैमिली ने आज फलों के 3 दिन के बायकॉट का ऐलान कर दिया, 600 किलो गुना महंगे बिक रहे हैं। अभी हम इसके हवाले से बात करते हैं। आपने बायकॉट कर दिया उन फल वालों के, आपके ऊपर भी तो बायकॉट कर दिया ना लोगों ने, लिखा हुआ है जफर अब्बास बायकॉट, एक मुहिम तो आपके खिलाफ भी चल गई ना। 100 मुहिमें चला लें, 1,00,000 मुहिमें मेरे खिलाफ चला लें, जहां लोगों पे जुल्म होगा मैं खड़ा हूंगा। और फिर आपको मार देंगे जब ये लोग? कोई बात नहीं, मार देंगे, मुझे मार देंगे, मेरे बाद दूसरा जफर अब्बास आ जाएगा। ट्रैक किया जा रहा है, हमने देखा आपने वीडियो दिखाई आपके। कोई बात नहीं, जिंदा बचा हूँ तो आज आपसे बात कर रहा हूँ ना, मैं जिंदा हूँ, बच गया ना तो आपसे बात कर रहा हूँ। मगर इसका एंड क्या है? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। आप हर किसी से लड़ाई कर रहे हैं, आप हर किसी को तंग कर रहे हैं, आप एक माफिया से मंगा ले रहे हैं, आपने केल एक्ट्री से लिया, अब आप भिखारी माफिया से मंगे ले रहे हैं, मतलब क्या करना चाह रहे हैं भाई? मेरे लोग मर रहे हैं, तैयार हो रहा है जफर अब्बास सियासी पार्टी के लिए, सुनने में आ रहा है। तो कब से बोल रहे हैं ये लोग? ये तो कब से बोल रहे हैं, जिस वक्त मेरे पर 3 हमले हो चुके हैं पहले, अभी जो मेरा पीछा हुआ। अबे कौन सा तैयार हो रहा है? जफर अब्बास तो कब्रिस्तान जाने के लिए तैयार हो रहा है, जिस तरह तुम लोग मेरे पीछे कर रहे हो, जिस तरह मेरे खिलाफ मुनज्जम तरीके से कैंपेन चलाते हो, जिस तरह मुझ पे कत्ल के फतवे, मेरे साथ एक मुश्किल थोड़ी है। मुझे तो अगर मुझे 2-4 साल जीने दिया तो मैं शायद अपने लोगों के लिए कुछ कर लूं, ये आवाजें उठा उठा के भाई। इतनी बड़ी माफिया थी, आप लोगों को खून दे रहे हैं, तो ये माफिया भी आपके खिलाफ हो जाएगी। देखो मेरे LSS के खिलाफ पहले से पंगा ले चुके हैं, ITCT का काम आप कर रहे हैं, मुर्दा खाना आप बना रहे हैं, कब्रिस्तान आप बना रहे हैं। मैटर ये है कि क्या आपका एक्सीडेंट हुआ था, उंगली कट रही थी पाऊंगी, आप बैठे हुए थे जिला अस्पताल में, अगर डॉक्टर लिख देता जाओ ये 12 टेस्ट करा के आओ, क्या आप करा सकते थे? नहीं करवा सकते। कहां से लाते 60-70 हजार रुपए? तो भाई हमारी आवाम नहीं बर्दाश्त कर सकती, इसीलिए अरबों रुपए की 8 अरब रुपए की मशीन लाके नुमाइश औरंगी में लगाई है। तुम्हारा 1 रुपए का खून का टेस्ट तो 1.5 लाख रुपए का फ्री में होगा। अब मैं अगर ये सोचने बैठ जाऊंगा जो बाकी लैब माफिया मुझे मार देगी, तो फिर इनके लिए खड़ा कौन होगा भाई? कोई भी नहीं खड़ा होगा, हर बंदा डरता रहेगा। अगर मैं उस वक्त डर जाता पिछले साल के, अगर मैं हर गली में लैब डायलिसिस सेंटर खोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए ना खोलूं कल के प्राइवेट अस्पताल माफिया मुझे मार देगी, तो आज मेरा एक भी सेंटर नहीं होता। कराची के लिए लैब खुल रही है, वो मशीन लगाई है लैब की 8 अरब रुपए की, पूरे पाकिस्तान में शायद किसी भी अस्पताल में नहीं है, वो कंपनी ने दावा किया है। और अभी एक बहुत बड़ी लैब की हेड आई थी, उसने बोला मैंने तो अपनी जिंदगी में रिबोट प्लांट देखा ही नहीं, TLA प्लांट रिबोट, खुद वो ट्यूब को उठा रहा है, खुद ही रिबोट तस्वीर खींच रहा है, खुद ही टेस्ट होकर 1.5 मिनट में बाहर आ रहा है, ये लो टेस्ट जाओ। वो कह रहे हैं पैसे, कोई पैसा नहीं। अभी लैब बन रही है तो डेली 2,000 लोग खून के सैंपल लेकर आ रहे हैं, मैं नहीं करा सकता 30,000 रुपए का अपने बच्चे का टेस्ट, उसको कैंसर है भाई तुम कर दो टेस्ट। मैंने कहा भाई भी इसकी ओपनिंग में 10 दिन रह गए, अगर पाकिस्तानियों ने सपोर्ट किया इसके माना अखराजात 6-8 करोड़ रुपए, तो पूरे पाकिस्तान में लैबें लगा दूंगा। और जो मुर्दा खाना बना रहे उसमें कितने लोगों? 1 रुपया नहीं, 1,000 मैयत रखने का मुर्दा खाना है, मुर्दा खाना फ्री, गुसल फ्री, कफन फ्री, मैयत बस फ्री, कब्रिस्तान फ्री, 1 रुपया किसी को नहीं देना। और दुनिया का नंबर 1 SSC का बन रहा है, 1,000 मैयत रखने का है ही नहीं पूरे वर्ल्ड में ऐसा मुर्दा। हमने ऐलान किया था रमजान से पहले कि अपने इलाके के सफेद पोश लोगों के लिए आओ यहाँ से खाना ले जाओ, अब उसकी लाखों की एप्लीकेशन आ गई है। अब मैं लोगों से कह रहा हूँ, जो लोग जिन लोगों को शौक था ना, कहते थे भेजो घरों पे सफेद पोश, आओ अब कुछ दो तो। ये धरती हमारी है, गिलगित से गवादर तक ये धरती हमारी है, ये माँ हमारी है, ये जान हमारी है। अदल मदीना हो, इंसाफ कजीना हो, नेकी हो अमल अपना, यही राह। कनाडा में भी 23 मार्च की तकारीब हुई, पाकिस्तान के जो हाई कमिश्नर हैं उन्होंने झंडे की, पाकिस्तानी झंडे को हवा में लहराया। दुनिया भर में पाकिस्तान की इज्जत और वकार के लिए पूरी दुनिया में इस तरह लहराता रहे। लेकिन 23 मार्च का दिन हमें ये जरूर याद कराता है कि हमने कहीं अपनी आजादी हासिल की भी है कि नहीं। 1947 के बाद जो ट्रांसफर ऑफ पावर थी वो यकीनन पाकिस्तानियों को नहीं मिली। अब टाइम है, और अगर अब नहीं होगा तो फिर शायद कभी भी ना हो। इसी तरह लोग आटे के लिए ट्रकों की लाइनों में लगे रहेंगे, इसी तरह लोग उनसे मजदूरी करवाते रहेंगे। अवाम अनएजुकेटेड थी और उन्होंने
अनएजुकेटेड ही रहने दिया है, और जो पढ़े लिखे हैं वो बाहर चले गए हैं, और उन्हें ये मैसेज दिया जाता है कि आपका नया मुल्क आपका मुल्क है, पाकिस्तान में आप रेमिटेंसेस तो भेज सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है, सामाजिक सूरत हाल है, आप उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। और इतनी बड़ी जो डबल स्टैंडर्ड या जूमली पॉलिसी है, ये मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही नहीं है। हमें यहाँ भी सियासत में हिस्सा लेना चाहिए और पाकिस्तान की सियासत में भी। चाइना को तरक्की देने के लिए ओवरसीज चाइनीज ने फाइनेंशियली कंट्रीब्यूट किया था, और उन्हें पता था कि वहां पे जब करप्शन करने पर 350 मिनिस्टर्स को वक्तन फवक्तन हटा दिया गया या उन्हें मार दिया गया गवर्नमेंट ने, और जो फौरी इंसाफ है वो उन्होंने दिया, तो चाइना इस वक्त दुनिया की बहुत बड़ी तरक्की है। तो आप करप्शन का हिस्सा ना बने, ना बनने दें, और अपने जो जो भी आपसे कोई काम करने के बस पैसे मांगता है, उन लोगों को सोशल मीडिया के जरिए एक्सपोज कीजिए। देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। मैं हमज़ा यूसुफ ईमानदारी और सच्ची दिल से ये ऐलान करता हूँ कि मैं हमेशा हर मैजेस्टी क्वीन एलिजाबेथ, उनके कानूनी वारसों, उनके जानशीनों का वफादार और सच्ची दिल से तबियादार रहूँगा, और इसमें खुदा वंदे करीम मेरी मदद फरमाए। फेवरेट सॉन्ग है तो वो भी हमसे फरमाइश कर। या अल्लाह मोहम्मद। जी हम सांसद नाज़रीन आप जैसे कि देख रहे हैं अपने घरों में बैठे और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह साथ कलमे का विर्द करते रहें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह साथ विर्द करते रहें आप लोग। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।